हेलो दोस्तों, आज हम आपको बतलाएंगे प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसका जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ, यानी भारत स्वतंत्र हुआ इसके बाद जन्म हुआ था, किसका हुआ था? नरेंद्र मोदी का हुआ था। समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसन होने वाला व्यक्ति कौन है? तो राजीव गांधी। कौन है? राजीव गांधी सबसे कम उम्र में है जो आप प्रधानमंत्री बने थे, और सबसे लंबा समय मतलब सबसे अधिक उम्र में बने थे मोरारजी देसाई, और गैर कांग्रेसी भी में है। आगे कुछ हम बता देंगे। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना है पी बी विश्वनाथ प्रताप सिंह कह सकते हैं। समझ में आ गया। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाने वाला प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री विधानसभा का सदस्य था? तो एच डी देवगौड़ा विधानसभा का सदस्य था। समझ में आ गया। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो याद रखना है प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? आपको याद रखना है पी बी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव क्या है? अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकता है। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में नहीं ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों। सिंपल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन करता है? प्रधानमंत्री। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति हो सकते हैं? कितनी बार ही आंसर होगा। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दे दिए थे? चौधरी चरण सिंह। इसको याद करने के देखिए, आप किसी के बगैर चरण छूरे या बन गया प्रधानमंत्री, इस प्रकार आप इसको रिलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? आपको याद रखना है दोस्तों, तीन प्रधानमंत्री का मृत्यु हुआ है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुआ है? लाल बहादुर शास्त्री। देखिए इसको याद करेंगे, अपने लाल को भेजते हैं बाहर पढ़ने के लिए। समझ में आए, इस प्रकार रिलेट करना है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका बेटी इंदिरा गांधी था। समझ में आ गया। और यह सबसे प्रथम था और सबसे अधिक बार मतलब सबसे कितना मतलब लगभग जैसे होता है ना कि 10 साल तक प्रधानमंत्री तक पद पर रहता है, तो सबसे अधिक बार यही बना है। समझ में आ गया। जैसे आया कुछ प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में है? तो 75 के अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का बेटी था। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में है? 75 में है। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति। जैसे प्रधानमंत्री शपथ लेता है तो राष्ट्रपति दिलाता है। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किस ने प्रधानमंत्री पद ग्रहण? गुलजारीलाल नंदा कार्यभार संभाला था, दो बेर यह संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने? मोरारजी देसाई। निम्नलिखित में से किसने दो बार कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में साधारे? गुलजारीलाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया था? तो आपको याद रख रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू।
भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार को कम से कम मतलब कितना उम्र होना चाहिए? 25 वर्ष। चलिए इसमें थोड़ा आपको हम बता देते हैं, जैसे यहाँ पर हो जाता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, समझ आ गया? तो देखिए लोकसभा में 25 होना चाहिए, लोकसभा के बहुमत दल के बनता है प्रधानमंत्री, राज्यसभा में 30 वर्ष होना चाहिए और राष्ट्रपति हो जाएगा 35 वर्ष, समझ में आ गया? देखिए 25, 30, 35, यह संसद राष्ट्रपति अथी संसद किससे मिलकर बनता है? जैसे अगर संसद की बात करें तो संसद हो गया, तो संसद आपको याद रखना है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, समझ में आ गया? तो लोकसभा में कितना सीट होगा? 25 गो, राज्यसभा में 30 गो, राष्ट्रपति के 35 गो, मतलब इतना होना चाहिए, समझ में आ गया? तब मतलब राष्ट्रपति बनेगा, अगर 35 वर्ष रहेगा तो 25 वर्ष रहेगा तो प्रधानमंत्री बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए तो कौन रहा मतलब प्रधानमंत्री बना? अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे अधिक के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। आएगा क्वेश्चन आएगा, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई प्रथम, और सबसे अधिक में ये था अति प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ही हैं। इससे पहले क्या क्वेश्चन था? प्रधानमंत्री पद एक कार्यकाल के लिए सबसे कम उम्र अटल बिहारी वाजपेयी है, ठीक है। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाला प्रथम, त्याग पत्र दिया था मोरारजी देसाई, और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? तो मोरारजी देसाई है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपाल शक्ति किसके पास होता है? प्रधानमंत्री या नाम के लिए राष्ट्रपति के पास होता है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता भी हम बताए, लोकसभा में बहुमत दल का नेता बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री में सबसे 12 कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? वह आया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्यकाल सबसे सबसे कम अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए? तो आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रसाद सिंह, HD देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी यानी ऑप्शन नंबर ए जाएगा, समझ में आ गया दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है क्या है? संविधान द्वारा सृजित है, संविधान द्वारा सृजित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो।